बॉस यहाँ होते प्रतीक भाई, बिग बॉस वेलकम सर, कैसे हैं? मुबारक हो आपको, मतलब मुकड़े पे मर रहे हैं और पूरा देश आपके मुकड़े पे मर रहा है सर। जैसे आप आए सबने कैमरा वहाँ घुमा लिया, किशन तो अभी चले। तो जैसे मान लो, मैं सही बता रहा हूँ कि बिग बॉस भी इनसे पर्सनल प्यार करते थे, इनको कन्फेशन रूम में सबके सोने के बाद बुलाते थे। बिग बॉस आते हैं प्रदीप, कन्फेशन रूम में आए। सबसे पहले आपका एक गाने से पहले बहुत बड़ा हिट हुआ, पूरा देश आपको वैसे डिजिटली बहुत प्यार करता है, मतलब मैं समझता हूँ जो फैन फॉलोइंग है यंगस्टर्स में इस वक्त, जो आपकी फैन फॉलोइंग है, जो मोहब्बत और खास तौर पे उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग मतलब मिलियंस एंड बिलियंस, मतलब सब कमाल है। आता रहे किशन, और ये वो फीमेल्स यहाँ पे, तो मेरे को सारे मेल्स दिख रहे हैं, ये सब जानते हैं हम सब। किशन आता रहे तेरा, ये सब मेरे सारे भाई आए, मैं देखो कोई फीमेल नहीं आई। 5 जुलाई को इसी म्यूजिक पे एक हमारा गाना रिलीज हुआ मुकड़े पे मर गए, आता रहे। जैसे मैंने अभी कहा कि इंडस्ट्री के सारे बड़े स्टार्स इससे डर गए जस्ट बिकॉज ये दिशा जी के मुकड़े पे मर गए, तो सर कुछ बताए प्रदीप भाई गाने के ऊपर। देखो महेंद्र जी ने मुझे बोला कि उसके मुकड़े पे मरना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप बोल रहे हो तो मर जाते हैं, हम मर गए। सर ने बोला तो हम मर गए थे, बड़े बड़े हैं तो हम कुछ क्या। और मैं सीरियसली कह रहा हूँ आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे गाने में, क्योंकि पोस्टर अब तो हम गाना देखेंगे अंदर जाके, तो ऑलरेडी पूरा देश देख रहा है, पूरे देश से प्यार मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, कैसा महसूस हो रहा है? मैं तो हमेशा इस चीज़ को ना कभी भी इस तरीके से नहीं लेता कि यार प्यार मिल रहा है तो फिर अब बस अब बैठ जाओ ठीक है ही, अब तो जो है वो है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ को और बेहतर कर पाऊँ, अपनी कला के सहारे यू नो और प्यार लोगों से ले पाऊँ और प्यार बटोर पाऊँ, और कैसे ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ रोज सुबह उठ के, और क्या नया कर पाऊँ जिससे और प्यार ले पाऊँ लोगों से। अच्छा प्रदीप भाई, एक क्वेश्चन आता है मैं हमेशा आप ले लीजिए सर, बड़े परेशान। प्रदीप भाई एक क्वेश्चन ये हमेशा आता है, आपने इतना इतना एक्शन किया है टेलीविजन पे यहाँ वहाँ एंड ऑल ऑफ अ सडन इतने रोमांटिक हो गए, ये जर्नी मतलब थोड़ा सा बताएं प्लीज। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके अंदर रोमांस होता है। मेरी लाइफ का मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि मुझे रियल लाइफ में तो रोमांस करना नहीं है, तो मैं रियल लाइफ में कर लूँ, तो क्योंकि रियल लाइफ में तो मैंने जितना रोमांस किया सब फेल हुआ है भाई, सब मतलब क्या बोल रहा मैं, सब सब फ्लॉप हो गई, वो सारी रियल लाइफ वाली सारी पिक्चरें फ्लॉप हो गई। तो मैंने सोचा कि यार अब रोमांस इतना बुरा है निकालूँ कहाँ पे, तो रील में ही कर लेता हूँ यार, कम से कम कहीं तो करूँ क्योंकि ये कहीं जाने तो वाला है नहीं। तो वैसे ही मैंने कहा कि चलो इस चीज़ को कहीं तो चैनलाइज करूँ इस एनर्जी को। नहीं सीरियसली पूरा देश पूरा मैं समझता हूँ पूरी दुनिया आपसे प्यार कर रही है। हरिवंश सर बहुत 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 शुक्रिया इतने खूबसूरत गाने के लिए, और वो कहते हैं कि आपकी मेहनत सफल हो और अच्छे हो कर्मा। आप मंच पे खड़े हो और बात कर रहे हो, मतलब जिनके प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो उनका नाम है टीनू वर्मा, तो वो सर यहाँ पे अभी है नहीं, थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे विराम लेते हैं और हम अंदर की जानकारी करते हैं और गाना देखते हैं, गाना एंजॉय करते हैं। आप लोग भी चलिए और प्लीज थैंक यू सो मच।